नमस्कार द टीचर शो के एपिसोड नंबर 26 में रोज की तरह आज हम फिर आपके साथ हाजिर हैं एक नए मेहमान के साथ जो हम सबके मित्र हैं, हम सबके साथ रहते हैं और उनका नाम ही मित्र है। सच कहूं तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, गणित, कोई सा क्षेत्र आप उठा के ले लीजिए, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहाँ उनका दखल नहीं है। उनकी पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाई में रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। उनको आप कोई भी चुनौती दे दीजिए, उससे पार पाने का वो मादा रखते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ प्राणपण से हर काम को सफलतापूर्वक संपन्न करते हैं। तो ऐसे ऊर्जावान शिक्षक साथी आज हमने इसीलिए शो में बुलाया कि आप सब और हम सब भी उनसे कुछ ऊर्जा ले सकें, उनके सकारात्मक ऊर्जा के कुछ छींटे हमारे ऊपर भी पड़े और हम भी जीवन में आगे बढ़ सकें, उनसे कुछ सीख सकें। तो हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान हिमांशु पांडे मित्र साहब का और साथ में मुकेश प्रसाद डोगरा जी, श्री कृष्ण जोशी जी का। नमस्कार सभी लोगों को। मित्र जी के साथ सभी नमस्कार। नमस्कार जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद भट्टी जी। मित्र जी के साथ आपका सर बहुत स्वागत है आपका सर। पांडे जी धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। दरअसल आज मेरे पास सुबह से बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं, जब से मैंने आपका बायोडाटा फेसबुक पे पोस्ट किया तो सारे लोग कह रहे हैं हिमांशु पांडे जी को कम से कम 3 घंटे का समय दीजिए, क्योंकि जो आपने संक्षिप्त बायोडाटा भेजा था उसमें इतने विषय हैं कि 3-1 घंटे में पूरे नहीं हो सकते। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर बिल्कुल सही, नहीं ये तो सर आपकी जरूरतवादी है। ऐसा नहीं है कि बात तो 5 मिनट में भी हो सकती है और जितना समय मिले बातचीत की जा सकती है, लेकिन अब चूंकि वैरायटी है भाई, अगर मैं मान लो कोई चीज इसमें नहीं लिखता तो वो भी अन्याय हो जाएगा ना उस चीज के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कोई कोई विषय, कोई क्षेत्र ऐसा जो आपने छोड़ दिया हो तो हमें बताएं। सर ये तो आप ही लोग बताए। अच्छा गजब की बात क्या है भट्टी, मुझे क्या लगता है कि मैंने तो कोई विषय पकड़ा ही नहीं। अब गड़बड़ कहाँ हुई, जैसे कि मान लीजिए डीएन भट्ट जी के साथ में आए तो डीएन भट्ट जी ने जो भाई मोटिवेशन दिया है वहां के हो दिए, फिर पता रहा भट्ट जी अपने मुकेश प्रसाद जी के साथ आए तो पता रहा उनके साथ लेकर लिखने का लगा कि भाई लोग लिख रहे हैं तो लिखना चाहिए। मान लो जोशी जी जैसे लोगों के संपर्क में आए तो लग रहा है भाई फिल्म निर्माण भी एक क्षेत्र, तो धीरे धीरे कारवां जो है आगे को बढ़ता रहा। ये है बस सीखने की ललक है आप लोगों की, अच्छी बात है कि मैं अपने को एक प्रशिक्षु मानता हूँ। आपकी बात सुनकर मुझे जगदीश सिंह साहब की गाई हुई एक गजल याद आ रही है कि अपनी मिट्टी अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हमें, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हमें, रुख हवाओं का जिधर कहा उधर के हमें। क्या बात है, क्या बात है। तो आप जो हवाओं के अब ऐसा है, इनका नाम मित्र है तो जब ये मित्र हुए तो ये सभी विषयों से मित्रवती व्यवहार के लिए करेंगे ना, विषय कोई भी हो। शुरुआत यहीं से करते हैं सर, ये मित्र होने की क्या कहानी है? मित्र तो उत्तराखंड पुलिस है, आप कैसे मित्र हो गए? जी आपने बड़े बढ़िया बात है सर। एक्चुअली हम लोगों ने जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो मित्र एक ग्रुप है सर हम लोगों का, मित्र जिसे हमने मित्र लोक कला मंच का नाम दिया था। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, आप बोलते रहिए। तो मित्र लोक कला मंच करके हम लोगों ने एक सांस्कृतिक संस्था की स्थापना करी थी और यहाँ पर जो हमारा मित्र था पूरा एक ग्रुप है। तो मित्र हियर मित्र स्टैंड फॉर MITR, मोटिवेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रीइंफोर्समेंट। तो चूंकि हम लोगों का एक ग्रुप था सारा, लगभग ये समझिए कि 95-96 के आसपास लगभग 8-10 हम जो युवा थे उन लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया था, तो वो जो ग्रुप था उसको फिर मित्र नाम चलता रहा और फिर मैं मित्र स्टैंड उसमें लेता हूँ। तो ये आपने शुरुआत ये थी उसकी कहानी सर। ये जो आपका मित्र मित्र मंडली थी, आपने शुरुआत किस कार्य से की? सर मित्र मंडली की शुरुआत तो हमारे ये एक प्रदर्शनी और साहित्य लेखन से हुई। हेलो, ये समझे कि करीब 91-92 में रावत जी हैं जो अभी इसमें महादेवी वर्मा साहित्य संग्रहालय में ना, मोहन सिंह रावत जी, जी हम लोग उनके उनके संपर्क में आए तो उन्होंने उनके साथ हम लोग कॉल डीएसबी कैंपस में ये
वॉल मैगजीन बनाना और कल्चरल प्रोग्राम करना, इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो धीरे धीरे हम लोगों ने इन्वायरमेंट सेक्टर पर कंट्रीब्यूशन अपना करना शुरू किया कि भाई जो हमारा मित्र मंडली है वो थोड़ा पर्यावरण संरक्षण में अपना काम करेगी, थोड़ा सांस्कृतिक संरक्षण में काम करेगी। तो बस धीरे धीरे हम लोगों ने फिर साहित्य संस्कृति इस ढंग से आगे करना शुरू किया। बहुत बढ़िया। और शिक्षा विभाग में कब आया आप? सर शिक्षा विभाग की भी कहानी बड़ी लंबी है। मतलब अभी जो वर्तमान है यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें तो मैं आया नवंबर 99 में जी। और वैसे 1995 से जब मैंने बीएड कंप्लीट किया तो बीएड 95 से रेगुलरली मैं शिक्षा विभाग के साथ हूँ, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग रूप में। 99 से गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। तो ये जो साहित्य के पर्यावरण के जो आपने प्रयोग करने शुरू किए ये आपने विद्यालय में भी किए होंगे बच्चों के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ में, आसपास के गांव के साथ में? जी जी। एक समय शेयर करूं कि चूंकि मेरा जो सर्विस का वो रहा है, मैं पहले एलिमेंट्री में था प्राइमरी में जी। तो 99 में जब मैंने ज्वाइन किया तो रोड हेड से 8 किलोमीटर दूर का विद्यालय था मेरा जी। और वहाँ हम लोगों ने सबसे पहले मैंने 99 में एक नाटिका टाइप की लिखी क्या वो रिस्ट्रक्चर करी, दे दे मेरी घुमराली दातुली। और आश्चर्य की बात यह है कि वहां से जो बच्चे थे, बच्चे कभी उस इलाके से आए नहीं। तो हम लोग वहां से 8 किलोमीटर पहले बच्चों को रोड में लेके आए, फिर वहां से कोई गाड़ी नहीं थी, वहां से एक आटे का ट्रक मिला साहब। अच्छा, आटे के ट्रक में बिठा के बच्चों को 30 किलोमीटर पार्टिसिपेट कराने ले गया। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन एनवायरमेंटल सेक्टर, वो था हमारा दे दे मेरी घुंघराली दातुली। अच्छा पांडे जी, आपने जो दे दे मेरी घुंघराली दातुली का जिक्र किया ये तो बहुत बात की बात है। हम आपको बचपन में ले चलते हैं आपके। आपने अपने बायोडाटा में लिखा है कि 26 साल से आप रामलीला कर रहे हैं। सर 26 साल तो आप लगते भी नहीं है। नहीं नहीं क्या, नहीं ऐसा नहीं सर, ये तो आप लोगों का वो है। अच्छा ये था कि 26 साल का कहानी भी है कि जब मैं नैनीताल आया डीएसबी कैंपस में जी, ये बात है 1991 की जी। तो वहाँ सबसे पहले हम लोगों का जुड़ाव जब युगमंच के साथ हुआ तो वहाँ हमारे निर्मल नायक नाटक कर रहे थे, यानी निर्मल पांडे जी। ये निर्मल पांडे जी हम लोगों को तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये वही निर्मल पांडे जी हैं जिन्होंने मुंबई में फिल्मों में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया था और बैंडिट क्वीन जैसी कालजयी फिल्म की थी जी। अब हम आगे जाइए। जी जी बिल्कुल। तो सर मतलब मुझे बड़ा इस बात का सौभाग्य मिला कि सबसे पहले डीएसबी कैंपस के म्यूजिक डिपार्टमेंट में एक रिहर्सल उन्होंने करी, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, उससे पहले मतलब ये समझिए कि मेरे से ढंग से दोहे नहीं गाए जाते थे, ढंग से बोला नहीं जाता था। वो जो वर्कशॉप रही मेरी लाइफ की पहली थिएटर वर्कशॉप, उसके बाद से फिर हम लोग ये नव सांस्कृतिक मंच से जुड़े और फिर रामलीला का पार्ट चलता रहा। तो आप रामलीला में कोई पार्ट छोड़ा या सारे घर डाले? नहीं रामलीला में, अच्छा रामलीला में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब मैं लगभग 1991 में बीएससी प्रीवियस का स्टूडेंट था तो मेरी आवाज बहुत पतली थी सर। अबे चूंकि मौका आया है तो आपने यादें दिला दी। आवाज इतनी पतली थी जब मैं वहां गया, मतलब उसमें रामला में पहले तो काफी टफ रखता रहता था, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा जेंट्स रोल नहीं है, तुम ऐसा करो तुम लेडीज पार्ट में आ जाओ। अब हल्की हल्की मूछें भी थी तो मूछें भी साफ करी। तो जो पहला पार्ट मिला मुझे वो मिला शबरी का। अच्छा। तो शुरू के कुछ साल फीमेल पात्र किए, फिर लगभग 4-5 साल बाद धीरे धीरे जब आवाज बैठ भारी होती गई फिर जेंट्स रोल में आना शुरू किया। मेरा सवाल ये था सर कि कोई 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 करैक्टर रामलीला का ऐसा जो आपने छोड़ा आप नहीं कर पाए? यही चीजें मनाल है कि मैं लंकेश का जो है पात्र नहीं निभा पाया क्योंकि वो बहुत टफ था और शुरू शुरू में लंकेश तो शत्रु होता है, आप तो देख रहे हैं आप कैसे करेंगे लंकेश। नहीं अच्छा ये सही कहा आपने। लगभग 26 साल में से सिर्फ 1 साल ऐसा रहा है जबकि मैंने राक्षस दल में रोल किया, अदरवाइज मेरी जो भूमिका रही हमेशा राम दल की रही है सर। अच्छा तो कौन कौन से जो रामलीला के कौन से पात्र हैं जो आपके दिल के सबसे करीब है सर, कौन सा पात्र है वो? सर दिल का सबसे जो पात्र है वैसे तो हनुमान का पात्र है,
और पिछले लगभग 2-3 साल से मैं सुग्रीव का पात्र निभाता आ रहा हूँ। और सही बात मानू तो जो स्टार्टिंग का मेरा रोल था अहिल वो सबरी का, तो सबरी का जो रोल मैंने देखा था वैसा रोल में जो उसकी भूमिका है, डेडिकेशन है, ऐसा डेडिकेशन देखने को नहीं मिलता, तो वो मेरा सबसे प्यारा रोल है। अच्छा आपका फोन घूम गया सर, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। जी जी एक मिनट सर, कुछ गड़बड़ हो रही है। जी राइट सर, राइट सर, आ रहा है। जी जी तो हम ये चाहेंगे सर, सही बात तो ये कि सर विजिबल है, विजिबिलिटी है सर। हाँ जी हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। इसको ठीक कर लीजिए सर जी। हाँ आप ठीक है, आप ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा था सर कि जो आपने करेक्टर किए, हम चाहेंगे कि उसमें से कुछ गा के हमारे दर्शकों को रामलीला थोड़ा सा तालीम करवा दीजिए। अच्छा तो सबरी का सुना दूं भी दो लाइन? जो आपकी श्रद्धा हो सर, सबरी, विभीषण, हनुमान। ठीक है ठीक है, चलो धीरे धीरे चलते हैं, आप 3 घंटे तक तो ले जाने के मूड में ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब भगवान जी आते हैं तो बहुत ही एक समझे कि आदमी डूबा हुआ है, और वहां से शुरू करो। अब थोड़ा आवाज सपोर्ट नहीं करेगी लेकिन जैसा भी होगा। अरे अरे बढ़िया, अरे आओ आओ प्रभु जी मेरे, आओ हरि जी मेरे, आओ 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 प्रभु जी मेरे, आओ हरि जी मेरे, आओ आकर दरस दिखाओ, प्रभु जी मेरे आओ, प्रभु जी मेरे आओ, आओ आओ प्रभु जी मेरे आओ, हरि जी मेरे आओ। मेरे कहते पूरी नाम लंबी हो जाएगी तो यहाँ शॉर्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया जी, नहीं बहुत अच्छा, आपने प्रभु को हरि को बुलाया। कल राम आए थे हमारे शो में, आज आप आए हैं, वो आपके बुलाने से पहले ही आ गए थे। क्या बात, हाँ सही कह रहे हैं। देखा था सर को म्यूजिक। हाँ तो आपने सर बहुत बहुत सारे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में आपका दखल है, तो अभी आपके जो नाटक के शुरुआती दौर के गुरु रहे होंगे, हमारे भी वो आदर्श है जहूर आलम साहब, वो आपको देख रहे हैं लाइव और सलाम कर रहे हैं आपको। क्या बात है, हाँ देखिए सर नमस्कार। हाँ सही बात, तो ये नाटकों की जो है वो सब जहूर दा की देन है, जो नाटक लाइन में जो आए हैं। नहीं मतलब बहुत बड़ा क्या, ही इज द ओनली पर्सन Who brought us in this field? मतलब अगर जहूरदा नहीं होता तो शायद हम लोग नाटक के फील्ड में नहीं होते। मैं मेरा ये मानना है कि जहूरदा कोई व्यक्ति नहीं है सर, अपने आप में संस्था है वो। जी जी बराबर बराबर। और युगमन से इतने सारे एनएसडी निकले नैनीताल से कि एनएसडी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बजाय लोग नैनीताल स्कूल ऑफ ड्रामा भी कहते थे एक जमाने में। 17-18 एनएसडी निकले, तो उसकी जी उसकी नींव में जहूर आलम साहब हैं, ये सब लोग जानते हैं, और हम उनको भी सलाम करते हैं और यहाँ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में रंगमंच को जमाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। जी जी हम लोगों का भी नमस्कार। अभी मनु कुमार जी आपके साथी हैं। जी जी हाँ मनोज जी भी जुड़ गए हैं सर। एक थोड़ा फेवर दे रहा हूँ, ये बहुगुणा सर लिंक शेयर करते हैं, अगर लिंक शेयर कर देंगे तो कुछ और साथी भी जुड़ पाएंगे, क्योंकि कई लोगों का मेरे मोबाइल में मैसेज आने की लिंक भेजो करके। मैं कई जगह शेयर कर चुका हूँ, कई ग्रुप में मैं शिक्षकों के ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ कई जगह। ठीक सर ठीक सर, वो अगर तो मैसेज कंटिन्यू इनको भी दे दीजिए। जी जी कंटिन्यू करते, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ इसको, तो मैं अलग अलग ग्रुप में डाल चुका हूँ, 12-14 ग्रुप में डाल चुका हूँ। ठीक 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 है सर, ठीक है सर। उनको बोलिए देवकी नंदन भटजी की वॉल पे जाएं। राइट सर राइट सर, चलो आ जाएंगे आ जाएंगे, वो तो है ना भटजी, तो उसको रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, या मेरी वॉल पे चले जाएं। राइट सर जी जी, और आप भी शेयर कर सकते हैं उसकी वॉल पे। राइट सर राइट, अब मैं तो जब देख नहीं पा रहा हूँ फिर शेयर कर लूंगा। चलिए अच्छा 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 जी, तो आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के भीष्म साहनी, अशरफ वजाहत, रसरथ जोशी,
शंकर परसाई, कई लोगों के लिखे हुए कथानकों या व्यंग पे आपने नाटक किए हैं, अभिनय किया है, एकांकी रंगमंच में अभिनय किया है, इनमें से सबसे बेहतर दो तीन आपको कौन से लगे? सर बेहतर कहना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्क रहा है लाहौर का, जिस लाहौर ने देखा, और असगर वजाहत साहब का, जिसमें कि युगमंच की बहुत एक मतलब महारत भी हासिल है, बहुत ही परफेक्ट नाटक बनाए हैं जहूरदा, हेमंदा, जितेंद्र, इन लोगों की द्वारा, और उसके साथ ही अभी लेटेस्ट एक था भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा नवदी, इन तीनों का एक कंबाइन करके बनाया है नाटक, जारी है, जो अभी पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव में गए थे हम लोग युगमंच के साथ, तो उसमें जो मुझे लगा ना कि उसमें बोल हैं, उसमें जो गीत हैं, उसमें जो म्यूजिक है, वो सारी चीजें बड़ा परफेक्ट मुझे लग पड़ा। हेलो, हाँ भट्टी आप, आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है, तो मुख्यतः जो आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म विषय होते थे वो कौन कौन से होते थे? सर रिपीट करें मैं, आपने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी आपने बनाई है, तो शिक्षा को, शिक्षा को लेके कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है आपकी? जी सर, इसका भी बताऊं कि जो स्टार्टिंग हम लोगों ने करी, ये हम लोग पहले जो हम लोग खाली वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे अपने प्रोग्राम्स की, तो सबसे पहले उसको, जैसे हम लोग एक साइंस एग्जीबिशन में गए थे हरिद्वार, वहां पर हमने पूरी साइंस की जो जितनी एग्जीबिशन थी उसको रिकॉर्ड करी, बल्कि गौरी शंकर कांडवाल जी भी हमारे साथ है, उन्होंने भी वीडियो वगैरह में हम लोगों की हेल्प करी, तो उसको हमने जिज्ञासा के नाम से फ्लोट किया, उसका नाम टाइटल रखा जिज्ञासा, और एक प्रोग्राम चलता है एनसीईआरटी का, वो है ऑल इंडिया चिल्ड्रंस एजुकेशनल ऑडियो वीडियो फेस्टिवल, उन्होंने एक बार एंट्री मांगी थी, वहां हमने भेजी, तो उसके बाद उनको, उन्होंने हमको बड़ा अप्रिशिएट किया, कहा कि आप इसी को थोड़ा सब्जेक्ट बेस्ड फोकस बनाइए, तो हमने अगला एजुकेशन पर फोकस, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था तो मुझे लगा अभी कैसे कर सकते, तो हमने गति नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई 3 मिनट की, तो उसके बाद तो धीरे धीरे मतलब जितनी डॉक्यूमेंट्री जितनी भी है मेरी वो एजुकेशनल है, मतलब कहीं जैसे जनरल टॉपिक पर नहीं है, तो वो धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज जुड़ते गए। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे एक ये रचनात्मक शिक्षक मंडल के साथ हम लोगों को मौका मिला, नवेंदु मटवाल जी ने ढेला में प्रोग्राम करवाया था, उनसे हम जुड़े, तो वहाँ सुदर्शन जुयाल जी आए हुए थे, तो जुयाल जी ने बेसिकली वो बच्चों का प्रोग्राम था, तो मेरी बिटिया भी गई थी स्मृति, और उन्होंने वहां पर किया तो बिटिया ने बहुत अच्छा पकड़ा, तो सही बात तो ये है कि मैं जो इस डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में आया, मैं तो सेकेंडरी आया, मतलब पहले बिटिया आई, उसके साथ साथ एज ए सपोर्टिंग जो है कहें या सपोर्टिंग है, वहां से हम लोगों ने डेवलप किया। तो उसके बाद बिटिया ने एक फिल्म बनाई, दैट वाज कॉल ऑफ अ थर्स्टी अर्थ, तो कॉल ऑफ द थर्स्टी अर्थ उसका इतना बढ़िया रिस्पॉन्स था, वो एक्चुअली वाटर कंजर्वेशन पर थी, उसमें क्या ना खाली डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, उसमें हमने पानी बचाने के तरीके, उसका पूरा एक्सपेरिमेंट वो सारे किए, और उसको भेजा नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल में, NSFFI कराती है विज्ञान प्रसार DST, और बहुत बढ़िया अप्रिशिएट हुई वो, और उत्तराखंड की एक सिलेक्टेड एंट्री के तौर पर हम लोगों को उसमें गुवाहाटी जाने का मौका मिला, तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, तो उसके बाद फिर समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है, बाकी भट्टी की मार्गदर्शन रहता ही है, बीच बीच में भट्टी को हम संपर्क करते रहते हैं, तो आपसे सर काफी वो मिला, इन्होंने कई चीजें, जैसे हम एक बार वो पर्यावरण पर लगा था, एक बार हम लोगों का और भी कई कई उनके साथ लगे, तो धीरे धीरे डेवलप होती रही वो बात। जी जी, और ये जो आपकी गतिविधियां हैं सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां जो हैं, इसको आप स्कूल में किस तरह से बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, या आपको किस तरह से इसमें इन्वॉल्व करते हैं? सर बहुत बढ़िया बात, और मैं अब जो थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन कहना जरूर चाह रहा हूँ कि मैंने सर नंबर एक पर मेरे बच्चे रहते, पहले मैं वो अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्राई करता हूँ, उसके बाद उसको बाहर लेके आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, अभी एक प्रोग्राम है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल IISFI, तो अब देखिए इंडिया इंटरनेशनल साइंस, हमारे वो लखनऊ में ऑर्गेनाइज हुआ था अभी इससे पहले, तो उसमें मेरे यहाँ क्लास 9th का एक स्टूडेंट भगवत, उसके साथ जो एक डायरेक्टर है उसको लेके जाना था,
तो जीआईसी खैरना से हमारा बच्चा, हमारे बच्चे की एंट्री सेलेक्ट हुई और हम लखनऊ गए बच्चे के साथ। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने जितनी भी एक संदेश दे रहा हूँ आपको, आपकी धर्मपत्नी दीपा, दीपा 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 जी आपके लिख रही है प्राउड ऑफ यू। सर आप बहुत बढ़िया बात आ गई। हाँ सही बात तो ये ना, म्यूजिक और ये फील्ड में आया ना, ये मैडम की वजह से जा रहे थे। दो तीन लोग होते ना, जैसे उधर नाटकों में जहूरदा हो गए, फिल्मों में। और गजब की बात ये कि हमारी जितनी भी हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई उसकी सारी की सारी स्क्रिप्ट दीपा मैडम ने लिखी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आप लोगों को भाई स्क्रिप्ट जी जी आप बच्चों के बारे में बता रहे थे स्कूल के। हाँ तो सर मैं बता रहा, जैसे मैं जब एलिमेंट्री में था तो हमने उतने इंटीरियर में, चाहे आटे के उसमें कैंटर में हमको जाना पड़ा, लेकिन मैं गया। उसके बाद दूसरा आप बता रहे, एक दूसरी बार एक नाट्य महोत्सव हुआ था, तब मैं लंगड़ा ब्लॉक में था। हम लोगों को सर शाम के 7 बज गए और हमारे पास करीब 42 बच्चे थे और गाड़ी वाले के पास तेल भी नहीं था। तो एक गाड़ी में हम मतलब दो टीचर और हम 40 बच्चे, यानी 42 लोग एक गाड़ी में 9 किलोमीटर तक चल के आए हैं, कैन यू इमेजिन। लेकिन ओनली ड्यू टू द डेडिकेशन कि हम लोगों ने बच्चों को आगे लाना है। मैं इमेजिन कर सकता हूं, बसरते सारे बच्चे आपके साइज के रहे हो। नहीं छोटे छोटे, मैं बेसिक में की बात बता रहा हूँ सर। उसके बाद जब हम आए तो अभी इधर क्या है, विज्ञान प्रदर्शनी होती है हर साल। तो जब अभी पिछले बार हमारे भट्टी उसमें निर्णायक मंडल में भी थे, तो हम लोगों ने क्या किया, विज्ञान को नाटकों से जोड़ा। उसे दो बेनिफिट हुए, एक तो बच्चे को हमको क्रिएटिविटी करने का मौका मिला। तो मेरा एक उसमें एक नाटक था, मेरे को याद आ रहा है, हाँ वो था हमारा द ग्रीन गोल्ड, क्या रहा क्या नाटक का नाम था, द ग्रीन गोल्ड। वो हमने जेट्रोफा के ऊपर किया था और वो हमारा स्टेट लेवल तक गया करीब 5 साल के बाद। मैं सिमलखा में था उस समय, और सिमलखा में एक और हमारे साथ क्रिएटिव साथी थे, मनोज कुमार जी, मनु। तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव साथी था हमारा, और वहां तो हम लोग जो चाहते थे कर देते थे। हमने मतलब क्या कहूँ, लगभग लगभग नाटकों की पूरी एक वहां पर सीरीज स्टार्ट करी थी बच्चों के साथ। बहुत बढ़िया किया। असल में हम लोग शिक्षक है, हम कोई भी काम करें अगर उसका फायदा बच्चों तक मिल सके और बच्चों को इन्वॉल्व कर सके तो हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। मैं इसलिए बाकी जो इस कार्यक्रम को बहुत सारे शिक्षक साथी भी देख रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य यही था कि जो हमारे कार्य है, जो शिक्षक साथी अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनका बच्चों के साथ किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा लोगों को जानकारी मिलते हैं। जोशी जी आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? जोशी सर अभी नहीं, अभी नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। और जोड़ना चाहूंगा बच्चों की चर्चा यहाँ पर आई है। हेलो जी, यहाँ सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बोलते रहिए। मैं तो सर एक अभी हम लोगों ने एक नई वेब सीरीज शुरू करी है, साइंस थ्रू ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स। 2 एपिसोड हम उसके बना चुके हैं, उसमें एक एपिसोड हमारा जो हरेला का विज्ञान है वो नेशनल लेवल पर जा चुका है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के साथ मिलकर जो हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल है उसमें से साइंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से मतलब साइंस तो है ऑलरेडी, लेकिन हो क्या रहा है कि धीरे धीरे लोग छूटते चले जा रहे हैं। अब जैसे हरेला मनाना है, लोगों को लगता है खाली मना रहे, बच्चे भी थोड़ा, हम बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं कि धीरे धीरे प्योर साइंस, नॉट इवन अप्लाइड, प्योर साइंस बिहाइंड दीज फेस्टिवल। उससे क्या होगा, बच्चे भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो लगभग अभी हमारे पास करीब 50 से ज्यादा बच्चों की क्लिपिंग्स आई हैं, जो बच्चों ने खुद बना के भेज दी है हमको इन बारे में। तो धीरे धीरे बच्चे भी सेंसिटाइज हो रहे हैं। उन क्लिप को शेयर करिएगा, बहुत अच्छा राइट है ना, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर करिएगा ताकि बाकी लोग इनको देख सके। हमारी कोशिश होगी कि हम उनको और जगह भी फैलाएं, बताएं लोगों को और ग्रुप से भी डाल दें। जी 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 जी, आप अपने वहां पे डाल देंगे, वहां से ले लेंगे, या आप मुझे टैग कर देंगे। जी जी, मेरे ख्याल मैं उसको हमारे आज भटजी का नेटवर्क थोड़ा सही नहीं चल रहा है, तो वार्ता का क्रम हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जोशी सर आप आज खामोश बैठे हैं। हाँ जोशी सर, बहुत अच्छा चल रहा है, चलिए और बताइए। आपने आपके शो आपका है, हम तो आपको सुनने आए, बीच में तो टांग अड़ानी है तो अड़ाएंगे बीच में बाद में। सर अभी क्योंकि बच्चों से कनेक्टेड था तो मैं छोटा सा, बहुत अच्छा मौका मुझे मिल रहा है कि अभी हम लोगों ने क्या किया, वही जो साइंस था, वही जो साइंस बिहाइंड ट्रेडिशनल फेस्टिवल था, उसको थोड़ा प्योर साइंस की तरफ लेके आए हैं हम। तो फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला, इस समय इंस्पायर अवार्ड चल रहा है पूरे ऑल इंडिया में, तो मैं उसका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ नैनीताल से। हम बच्चों को फोकस ये कर रहे हैं कि बच्चे कोई भी एक्टिविटी लेके आए, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे
पुराने थिएटर में हो, थोड़ा सा उसको एक इनोवेशन पर लेके आए ताकि हम बच्चे को 10,000 रुपीज की स्कॉलरशिप भी दिला सके। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है शेयर करने में कि मेरे 6 बच्चे हैं पिछले 4 साल में 10,000 रुपए का अवार्ड जीत चुके हैं, तो उससे बहुत बड़ा मैसेज गया। अच्छा दूसरा क्या हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ी थोड़ा ये हो रही है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे। बहुत ईजी है, बच्चे ने कुछ नहीं करना, बच्चे को जब पैसे हम दे देंगे प्रोजेक्ट भी उसने उसके बाद बनाना है, पहले सिर्फ आइडिया देना है। कितनी गजब की बात है, खाली आइडिया देने के 10,000 रुपए उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रही है, लेकिन अब वो थोड़ा समझने में हम उसको हम ही एज ए टीचर को इतना कठिन बना के प्रेजेंट कर दे रहे हैं कि बच्चे उसको कवर नहीं कर पा रहे। कितने साल तक के बच्चे शामिल हो सकते हैं इसमें सर? क्लास 6 से क्लास 10th तक के। अगर आप बड़े बच्चों को शामिल करेंगे तो जोशी जी और मैं भी शामिल होना चाहेंगे। ये तो सर ये भट्टी के साथ शामिल हो गया। उसमें भी है दुनिया में आइडिया की कमी है, इसीलिए आइडिया कंपनी में खाते ना आइडिया, आइडिया के लिए दिया जाता पैसा। वही बात है सर, हम तो बच्चों से ये भी कहते हैं अगर बच्चा नहीं कर पा रहा खाली तुम फोन पर हमको आइडिया बता दो, प्रोजेक्ट भी हम तुम्हारा आगे को फ्लोट कर देंगे और 10,000 रुपए बच्चे को मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया काम किया आपको भट्टी आगे हैं साहब, इससे बेनिफिट हुआ भट्टी आप आगे आप दरअसल हिमांशु के पास कहने को इतना कुछ है क्योंकि पहले एक्सपर्ट मैंने देखे जिनके शो शुरू होने से पहले डिमांड आई कि इनको 3 घंटे का समय दिया जाए, इसलिए अपने को चुप रहना और इनको सुनना है, दर्शक भी शायद इनको सुनना चाहते हैं, इनके साथी भी इनको सुनना चाहते हैं, तो बीच में हम क्या बोल रहे हैं। नहीं हिमांशु जी अपनी कथा कहते रहिए आप। अभी चूंकि आपने परमिशन दी है मैं थोड़ा सा एक थोड़ा अगर मैसेज भी चला जाए, हम छोटी छोटी चीजों को अगर प्लेवे मेथड से ना, मैं आपको एक बात और शेयर करूंगा कि एक एनसीईआरटी का, क्योंकि मैं हम टीचर है मैं टीचिंग पर फोकस कर रहा हूँ, एनसीईआरटी एक प्रोग्राम कराती है हर साल नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन टीचिंग। तो आश्चर्य मुझे ये हुआ कि आज तक मैथमेटिक्स में पूरे उत्तराखंड में एक ही नेशनल अवार्ड हुआ है, वो भी बच्चों की बदौलत हम लोगों को मिला। और कैसे मिला सर, बड़ी गजब की बात है, मिलने की मुझे कहानी है कि लोग बहुत बड़े बड़े मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लेके आए, मैं साउथ साइड की यूनिवर्सिटी का देख रहा था कि भयंकर भयंकर कॉन्सेप्ट की हमारे समझ में आए, हम बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लेके गए, ओपन एयर मैथ्स लैब। ओपन एयर मैथ्स लैब मतलब हमने इन्वायरमेंट को मैथमेटिक्स से जोड़ दिया, और एनसीईआरटी को बड़ा पसंद आया, उन्होंने कहा हाँ बहुत बढ़िया बात है, तो उन्होंने हमको नेशनल अवार्ड दे दिया। उस पर जिम्मेदारी मिल गई हमको इको क्लब की, तो हम लोगों ने क्या किया कि जो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे जो आते हैं उनको हम मेजरमेंट के जब मेजरमेंट कराते हैं तो जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर या फुट बड़ा थोड़ा समझाने, तो हमने उसको प्रैक्टिकल लिया, तो हमारे पास एक खाली जगह थी, हमने उसको एक कैरी के तौर पर डेवलप किया, कैरी के तौर पर डेवलप किया, बच्चों से उसका मेजरमेंट कराया, उसमें अलग अलग शेप पे जैसे ट्रायंगल में सर्किल में और उसके रेक्टेंगल में स्क्वायर में छोटी छोटी कैरियां बनाई, और उन कैरियों में हमने छोटी छोटी चीजें, सबसे पहले हमने मेथी बोई सर, मुझे अभी भी ध्यान है GIC सिमलखा से हम थे, हमने उसमें मेथी बोई, जब मेथी उग के आई वो इतनी बढ़िया शेप एंड साइज में नजर आई कि बहुत दूर दूर से पत्रकार आए उसको रिकॉर्ड करने के लिए, यार कितने बढ़िया दिखाई दे रही है। तो दोनों काम हो गए, मैथमेटिक्स भी हो गई और उसमें ग्रीनरी भी हो गई, मेथी प्रोडक्शन भी हो गया, सारी चीजें एक साथ हो गई, दैट वाज अ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया, हमने नाम भी उसको दिया था, बहुत सारों तो वहां बोर्ड भी लगा रहा, ओपन एयर मैथ लैब, ओपन एयर मैथ लैब मतलब ये जो एनसीईआरटी की स्कीम है ना, इसका उत्तराखंड के टीचर बिल्कुल फायदा नहीं उठा रहे। जी 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 बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि यहाँ मैंने अभी हमने पिछले 30 दिन में देखा इतने इनोवेटिव आइडियाज, इतने इनोवेटिव टीचर लोग हैं, वो यदि इस बात को फैलाए कि एनसीईआरटी स्कीम के बहाने स्कीम के माध्यम से कुछ पैसा देता है कुछ रिकॉग्निशन देता है, तो मेरे को लगता है देश में टॉप करेगा उत्तराखंड। अब सर मैं बड़े इसमें गड़बड़ क्या है मुझे जो लगती है मानो कितनी स्कीमें ऐसी हैं जिसमें उत्तराखंड की प्रतिभागिता नगण्य है, नगण्य सर।
रूपा बेसी, आप रूपा बेसी थोड़ा देर से आई है, हमारी नियमित दर्शक हैं, वो पूछ रही है कि आपने अपने नाम मित्र क्यों रखा, क्या स्टोरी, तो मैं इनको बाद में बता, रूपा जी आपको बाद में बता देंगे थोड़ा, है ना, ये मैं आपको फोन करके बता दूंगा, आप चिंता ना करें। जी 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 मित्र कैसे बने जी, नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिसको जो चीज पता है वो खुल के दूसरे को समझा नहीं रहा, गड़बड़ यहाँ पर है। अभी जैसे एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का वो भाई उसको डॉक्यूमेंटेशन बहुत तगड़ा मांगते हैं वो, अब उस डॉक्यूमेंटेशन को बनाने में लोगों को दिक्कत है भाई, आइडिया तो कोई, तो हम कह रहे हैं एक ऐसी टीम हो, जैसे भट्ट जी से हम लोग गाइडेंस लेते रहते हैं, जैसे हमारे तमाम, अब हम लोग भी धीरे धीरे जुड़े, पहले हम लोगों को भी अंदाजा नहीं था, मैं आपको एक लोगों को हंसी आएगी, हम उसमें क्या था कि प्रिंसिपल साहब को बुलाया गया था एनसीईआरटी में, और जब हमारी वहां बारी आ गई तो प्रिंसिपल साहब ने पूरा का पूरा, जबकि उन्होंने कहा था कि हम 20,000 रुपीज पर डे रहने का खर्चा देंगे प्रिंसिपल को, लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब ने हाथ जोड़ के बोले भैया नाम एनसीईआरटी है, मेरे बस का नहीं है ना, तुम कह देना साहब बीमार हो गए, मतलब मैं इसको ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ भाई, हमको जाना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा, ये तो सर लाइव हो रहा है पूरे देश में, ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ सर, अभी तो ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बहुत अच्छे मेरे कहने में नहीं, अभी जैसे इंस्पायर में है, इंस्पायर में लगभग 4 महीने पिछले बार हम लोगों ने अपने यहाँ से लगभग 92 स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए मिले हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को, हम ये चाहते हैं कि हम उसको और संख्या बढ़ाएं भाई, हमारा तो कुछ नहीं रहा, सरकार दे रही है बच्चों को बेनिफिट हो, किसी को दिक्कत आ रही है तो वी आर रेडी टू हेल्प एट एनी कॉस्ट, ये क्योंकि भट्टी के साथ बहुत कोशिश की मैंने कल्चर की स्कीम है कि ऐसे आर्टिस्ट जो अपने हेडेज में, जो अपनी जवानी में पूरे पूरी जनता का रसना साधन कराते थे उनको, लेकिन जो वो बूढ़े हो जाते हैं 80 साल के 90 साल के, उनके घर वाले भी उनको नहीं पूछते, कितनी दर्दनाक स्टोरीज हमको हमने देखी कोविड में देखी, लेकिन उससे पहले आर्टिस्ट के माध्यम से, तो सरकार ने ये कहा कि ऐसे आर्टिस्ट जो इंडिगन सिचुएशन में हैं वो हमें अप्लाई करें थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन मैं अब नाम नहीं लूंगा स्टेट्स के, लेकिन मैं कुछ स्टेट्स के आपको नाम मतलब बता सकता हूँ, उनकी संख्या 7,000, 5,000, 8,000, 10,000 एप्लीकेशन आती थी, उत्तराखंड से कितनी थी, 2 या 0, अरे नहीं, रमेश कांडपाल जी हैं अभी इसमें काफी, हमारे ये कांडपाल जी गोपाल शायद वो कमेंट करते रहते हैं, भट्ट जी ने कोशिश की, भट्ट जी के एक साथी उपाध्याय जी हल्द्वानी में, उन्होंने कोशिश की, लेकिन मेरे को उत्तराखंड से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, मैं हर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीचर्स को कहता था कि भैया अपने अपने स्टेट से भेजिए, लेकिन देयर आर स्टेट्स जिसमें एक विशेष साइकिल है, उसमें दलालों का साइकिल है, और दलाल जानते हैं कि यदि अप्लाई करवा देंगे तो हो जाएगा, लेकिन उत्तराखंड से जनरल टीचर आने के बाद भी वो इतनी, बिकॉज वो स्कीम मेरे को लगा टीचर्स के माध्यम से वो उत्तराखंड में फैल सकती है, तो आज भी कोई भी कलाकार यदि आप देखते हैं ऐसा है जो 90 साल 70-75 साल से ऊपर है और जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और वो यदि अप्लाई करें तो संस्कृति मंत्रालय उनको पेंशन देता है, वो एक बार पेंशन मिल जाए तो जिंदगी भर चलती है पेंशन, तो वो रिस्पॉन्स जो है ना कुछ स्टेट्स का इज एब्सोल्युटली डिसमल। इस शो के माध्यम से सभी शिक्षक साथियों से ये अपील भी करेंगे कि उनके क्षेत्र में जितना कलाकार हो वो भट्ट जी को या जोशी जी को या मेरे को बता देंगे उनके बारे में, तो हम उनको आगे पहुंचा देंगे, नहीं वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम में भी जा सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे देखिए उसमें स्कीम है, इसमें स्कीम है, और वो अप्लाई करें उसमें, क्योंकि उसमें 2-4 मतलब डीएम के थ्रू एप्लीकेशन भेजनी है, ये भेजनी है, उसमें हम तो मदद नहीं कर पाएंगे, उस प्रोसीजर को समझ लें, उसके बाद दिल्ली में मैं फॉलो अप कुछ कर सकता हूँ उनका।
चलिए कोशिश करेंगे सर, हम लोग भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी 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 हिमांशु भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? हिमांशु भाई सुन पा रहे हैं? तो जी, मैं जी, जी। साल ये कि मेरे पास एक सूची है जिसमें हिमांशु भाई जिसमें आपके जो बनाए हुए क्लब है उनके बारे में जानकारी है। जी जी ये ईबीएस क्लब तो सर ये कितने क्लब है या कोई बचा हुआ भी कोई क्लब? सर अगर कोई बचा हो तो बता दीजिए, इस साल खोल लेंगे हम। बहुत अच्छे, दैट्स द स्पिरिट। एक चीज और जोड़ रहा हूँ इसमें, ये जो सारे क्लब हैं ये पूरे के पूरे हमारे, मैं तो जो गवर्नमेंट सेक्टर को बिलोंग करता हूँ, सारे हमारे स्कूल के गवर्नमेंट बच्चों के बेनिफिट के लिए बने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण दूं, हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब बनाया और हमारे दो, हमारे स्कूल के दो बच्चे और नैनीताल जनपद से 10 बच्चे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कर्नाटक और मैसूर घूम के आए। 1,10,000 रुपए गवर्नमेंट ने दिया पूरा क्लब के माध्यम से। अच्छा दूसरा, अभी हम लोग साइंस क्लब अगर करते हैं, विपनेट में हम हैं, विज्ञान प्रसार नेटवर्क के साथ हमारा है इनोवेटिव मैथ्स एंड साइंस क्लब। तो उसमें यह है कि आप, आपका जैसे जैसे सर्टिफिकेशन होता जाएगा आपको मिलते रहेगा। तो हमारे 3 बच्चे नेशनल लेवल तक गए, हमको यहाँ से गुवाहाटी जाने का बाई एयर सरकार ने खर्चा दिया हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को और हमको। हमें कितनी बड़ी बात है कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे, आने जाने का गवर्नमेंट बाई एयर खर्चा दे रही है। अभी अभी हम लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हैं थोड़ा, अभी वर्चुअल क्लास के माध्यम से। तो मुझे लग रहा है कंप्यूटर में नया स्कोप हम कुछ और डेवलप कर पाएंगे। एक चीज और जोड़ो, अभी पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम चली, उसमें ये होता है कि जो बेस्ट लेटर राइटिंग करता है उसको 5,000 रुपए मिलते हैं साहब, जो लेटर राइटिंग में। अब वो हम उसको अभी ले नहीं पाए, पिछले बार हमारे 3 बच्चे उसके सेमीफाइनल में सेलेक्ट हो गए थे फिलैटली क्लब में, बल्कि मैंने उसमें पोस्ट ऑफिस में केस भी किया, पोस्ट ऑफिस वालों ने टाइम से हमारी जो रजिस्ट्री थी वहीं तक नहीं पहुंची। नहीं तो हर बच्चे को 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती और 3 साल तक मिलती। तो ये मतलब हम लोग सर रिसर्च जैसे आपने बताया, दूसरे तो मैं छोड़ता नहीं सर, कोई किसी ने एक आइडिया दिया तुरंत उसको पकड़ के। चाहे मेरे को एक चीज आपको बड़ा आश्चर्य होगा, हमने बहुत साल पहले लगभग 99-2000 में कबिंग शुरू करी थी, कबिंग बोले तो 10 साल से छोटे बच्चों की स्काउटिंग। तो उसमें एक टोपी होती है पी कैप कहते हैं उसको, ब्लू कलर की, वो कहीं नहीं मिली। तो सिर्फ 6 टोपी खरीदने के लिए मैं यहाँ से लखनऊ चला गया सर, ये बात सन 2000 की है, 6 टोपी खरीदने के लिए मैं यहाँ से लखनऊ गया कि बच्चे की पढ़ाई कम्प्लीट हो जाए। हम जो बच्चों के लिए करते हैं ना सर, उसका मैनी टाइम्स रिटर्न होकर हमको मिल रहा है वापस। बिल्कुल, मैनी टाइम कैसे मिल रहा है? मैंने जब 99 में कबिंग का स्टार्ट किया था तो हमको यहाँ उत्तराखंड में कहीं एडवांस कैंप नहीं था, तो हमने नेट पर ढूंढा तो पता चला कि एक मधुपुर है कलकत्ता में एक जगह, वहां पर वो कैंप हो रहा है। तो तब हम लोग 2 लोग यहाँ से अपने खर्चे पर कैंप करके आ गए, ठीक हो गया। उससे बच्चे को बेनिफिट मिला, हमारे बच्चे सर लगभग, अभी दीपा मैडम और हम लोग हैं, लगभग 15 साल से लगातार नेशनल टीम जा रही है हमारी, उसमें 10 साल से छोटे बच्चे भी हैं, 10 साल से बड़े बच्चे भी हैं। तो 10 साल से छोटे बच्चों को लगातार नेशनल तक ले जाना अपने एक बड़ा अचीवमेंट। अच्छा ये तो हमारा डेडिकेशन, हमको क्या मिला? हमारे नाम में एक और हिस्ट्री जुड़ गई कि हिमांशु पांडे इज द फर्स्ट एंड ओनली 1 पर्सन ऑफ स्टेट हैविंग असिस्टेंट लीडर ट्रेनर इन कप सेक्शन। ये रिटर्न है सर, भर्जी कुछ कह रहे हैं? एक रिक्वेस्ट बहुगुणा जी के लिए भी आई थी। हिमांशु भाई आप मेरे सवाल का मतलब समझ गए और आपने सारे क्लबों के बारे में बता दिया। क्या रिक्वेस्ट आई थी सर? बीच में मेरा नेट चला गया था। आपके आपके लिए, आपके लिए उनकी मैडम की रिक्वेस्ट आई थी। एक क्या आई थी?
रिक्वेस्ट थी कि बबूना जी कोई नाटक का डायलॉग सुनाइए, वो शायद आपको जानती हैं और आपसे कोई नाटक का डायलॉग सुनना चाहती हैं। प्रभावित है आपकी, प्रभावित है आपकी डायलॉग डिलीवरी से। डायलॉग तो तब होगा जब वो भी सामने आएंगे, अदरवाइज तो तो उनको बोलिए सामने आए और फिर डायलॉग हो। ठीक है प्रकट होइए, आगे पढ़ते हैं सर। ये तो सर आपका ही वो है जी, आलोचक है, बहुत मजा आराम से जी आपसे सीखने को मिला। अच्छा एक और बात सर, मैं अक्सर हम लोग कहते हैं अपने घरों में, इस कार्यक्रम का मतलब है कि हम अपने बच्चों को ऐसा क्या है कि उनकी स्मृति अच्छी हो जाए, स्कूल के हमारे जो बच्चे हैं उनकी स्मृति को मतलब क्या कर सकते हैं, और हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास करवा सकते हैं। लेकिन आपने तो तीनों प्रयास घर में रखे हुए हैं सर। स्मृति, संस्कृति और संस्कार जी जी मिला था। अच्छा ये भी जब हम आप पिछली बार जब फटीमा आए थे तो आपके पूरे परिवार से मुलाकात हुई जी सर। जी सर ये सर मत बोलिए, आप नाम लेके बोल सकते। हम जब संस्कार की बात करते हैं, हम मित्र लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को सर सर जी कह सकते हैं, बड़े अगर अब गिरीश जी हमसे बड़े हैं तो गिरीश जी कहेंगे हम बट जी, है ना। ये सर सर थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है, और हम बात कर रहे हैं संस्कृति की संस्कार की जी। मैं पहले दिन से ही अपने स्कूल में बच्चों को बोल रखा था मुझे सर कहोगे तो बहुत बुरा होगा, मुझे गुरु जी कह लो। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको काउंटर करना चाहूंगा। काउंटर मत करिएगा, काउंटर कर देता हूँ सर। अब मैं फौजी आदमी हूँ, काउंटर काउंटर एनकाउंटर का नाम मत दीजिएगा। नहीं मैं कह रहा हूँ, आप तो कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये है कि मैं जहाँ भी गया मैंने बच्चों से बच्चों को ये जरूर सिखाया कि भाई गुरुजनों का पूरा सम्मान करें, उसके लिए थोड़ा सा मतलब ये भी संस्कार में है। जैसे आप मैं बताऊँ, हमारे कुछ लोग ट्रेनिंग करने आए थे तो जो बाहर के टीचर भी है, हमारे बच्चे उनके पैर छू रहे थे तो उन्होंने कहा सर पढ़ा कर, गजब सी बात है। कुछ चीज संस्कार ऐसे रहते हैं कि वो स्वयं ही निकल रहा है, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ आज आ रही है वो। ठीक है ठीक है जी। हाँ जी, आप वो संस्कार संस्कृति और स्मृति की कहानी अधूरी रह गई, वो नाम कैसे मिले आपको, यही नाम कैसे मिले? ये, इसके लिए तो सर ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, ये मैडम का कंट्रीब्यूशन है। मैडम ने एक्चुअली कहा ना कि सबसे पहले जो नाम था वो जो बड़ी लड़की है वो स्मृति है जी। तो ये स्मृति जो है दीपा मैडम का ही नाम रखा हुआ है। अब उसके बाद लगा कि भाई जब एक एस से नाम आ रहे तो थोड़ा और नाम जोड़ जाए, और एस से काफी एक वो स्पेस मिल जाता है। तो उसके बाद फिर जो अगला हुआ वो संस्कृति, और दो के साथ जो फ्री ऑफर है तीसरा वो संस्कार पांडे नाम पड़ गया। आपके आपके मित्र दीपा पांडे लिख रही है हेलो। हाँ पांडे जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 सुन पा रहा हूँ। पांडे जी आपने दीपा पांडे, हाँ मैं जी मैं कह रहा था आपके सबसे नजदीकी मित्र कमेंट कर रहे हैं आपके लिए, प्राउड ऑफ यू। हाँ वो तो अब है सर, ये भाई ये तो है नहीं, वही तो मोटिवेशन है सर, दैट इज द ओनली मोटिवेशन। क्या बात, ओनली क्या बात। रमेश धारू जी सुझाव दे रहे हैं कि सभी प्रतिभागियों को नवाचारों की एक पुस्तक हर साल छपे और हर सरकारी शिक्षक इसे पढ़े। अच्छा सुझाव दिया है इन्होंने कि जो भी हम प्रयास कर रहे हैं उनकी किताब छप जाए और वो स्कूलों तक पहुंच जाए तो बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी जी। ये सर मैंने अभी सीमा जौनसारी मैडम को लगभग 2 महीने पहले लॉकडाउन के दौरान सुझाव दिया था कि मैडम हम एक ऐसा कोशिश करना की कर रहे हैं,
थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो जा रही है कि सर थोड़ा कहना नहीं चाहिए लेकिन अब वो अब, काम में जिम्मेदारी नहीं ले पाए हमको। उन्होंने लिख दिया डाइट उधम सिंह नगर ये नवाचारों पर काम करें। अब डाइट उधम सिंह नगर के बाद अपना बहुत सारा काम है तो हम लोग उसको कर नहीं पाए, लेकिन ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। तो हम भी कह रहे हैं इस बात को जी। मुझे लगता है केंद्रीय का जी जी एससीईआरटी लेवल पर ही वही तो मैंने हमने सीधे जौनसारी मैडम से को मैसेज दिया और मैडम ने उस पर संज्ञान लेते हुए ये कह दिया कि भाई कोई जिम्मेदारी ले। अब सर ऐसे कौन जिम्मेदारी लेगा, जिम्मेदारी तो या तो ऊपर ही लेनी पड़ेगी ना, एससीईआरटी को लेनी पड़ेगी या किसी को डिप्यूट करना पड़ेगा ये है। चलिए अगली बार अगर आप सीमा जौनसारी जी से मिलेंगे तो उनको बताइएगा कि मैं जिम्मेदारी ले लूंगा अगर मुझे वो कर लेंगे तो। राइट सर, राइट सर, राइट। मैं बहुत फालतू आदमी, मेरे में बहुत काम, मेरे में कोई काम धाम है नहीं, बताता हूं मुझे कोई काम नहीं। आप तो पांडे जी मैं आगे आपको फिर वही वापस ले आता हूँ नाटकों की ओर। आपने युगमंच के साथ जो नाटक किया सर उसमें बहुत सारे कैरेक्टर आपने किए, मैंने भी आपका विनय मंच इस प्रकार देखा है जी जी। मैं तो यहाँ नैनीताल आता हूँ नाटक में आप लोगों के, जब भी बिल्कुल हमारे दर्शकों को अभिनय के साथ बताएंगे तो मजा आएगा थोड़ा। अब सर ये सबसे बेहतरीन वाले में तो थोड़ा सा वो हो जाता है लेकिन फिर भी उसमें जोड़ा जाता है। अभी जो हम लोग लेटेस्ट करने गए हैं जो नाटक जारी है जो पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव में भी हुआ था और भारतेन हरिश्चंद्र जी का था तो उसमें अलग अलग था। एक उन्होंने जो भारत दुर्दशा के डायलॉग थे सर वो बड़ा पसंद आया। उसमें दो अगर मैं उसको दो यहाँ पर कहने की कोशिश करता हूँ, उसमें एक धर्म का कैरेक्टर है, धर्म का तो धर्म मेरी बात सुन रहे सर जी जी सुन रहे आपकी बात तो उसमें जो धर्म का कर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। उसका एक दो लाइन यहाँ पर कहने की कोशिश करता हूँ तो कहते हैं महाराज मैंने कई प्रकार से भारत को अपने जाल में जकड़ लिया है, अध्यात्म के बहकावे से मैंने भारत को समाज और देश दोनों से विमुख कर दिया है, सारे परम ज्ञानी भारतवासी अपने अपने ज्ञान में लीन हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्णों की घुट्टी पिलाकर मैंने हिंदू समाज को बांट दिया है और आपस में लड़ा दिया है महाराज। दिस वाज डन। अभी उसमें एक जो मेरा दूसरा कैरेक्टर था अभी एक लाइन और जोड़ देता हूँ जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने भी उसमें इस बार वाले में था तो वो क्या होता है कि वो टका शेर भाजी टका शेर वाला तो टके शेर में जात वाला आता है, एक जात वाला जी तो कहते हैं जात लो जात टका शेर जात, एक टका लो एक टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से क्षत्रिय हो जाए, टके के वास्ते क्षत्रिय से वैश्य, टके के वास्ते से वास्ते वैश्य से शूद्र, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, लुटा दिया माल अनमोल माल ले टके से। बहुत बढ़िया। आपकी आवाज इतनी बुलंद है जैसे एक पृथ्वीराज कपूर हुआ करते थे फिल्मों में, उनकी जितनी बुलंद आवाज हुआ करती थी उसके बाद आप दूसरे हैं जिनकी आवाज। सौरभ मोदी भी हुआ करते थे आपको याद होगा, गिरीश सर जोशी जी को सौरभ मोदी और पृथ्वीराज कपूर जी को माइक की आवाज नहीं पड़ती थी। अरे सर अभी आवाज की मत को, ये जहूर दाने मतलब ये ठोक ठोक के कर रखी है आवाज, दो चीजों में बहुत गजब का वो है। एक तो मुझे अभी ध्यान आ रहा सबसे खतरनाक खास तौर पर जब जहूर दा सामने बैठे होते हैं, एक तो वो जो उसके ज और श उन वाले शब्दों के प्रोनाउंसिएशन पर, तो बल्कि एक बार तो मुझे डांट भी पड़ी और मेरे से कहने लगा यार मास्टर तुम्हारी आवाज सही नहीं आएगी तो किसकी आएगी बताओ, है नहीं तो तब मुझे लगा कि मतलब ये थोड़ा सा जरूरी भी है। अच्छा फिर एज ए टीचर तो आप लोग आपकी इतनी बुलंद आवाज होनी ही चाहिए कि आपके आवाज से बच्चे थोड़ा सा कंट्रोल रहे। थिएटर थिएटर वालों की आवाज वैसे ही बहुत अच्छी होती है, हो जाती है थिएटर में, जरूरत नहीं पड़ती है सर आवाज,
क्योंकि जो दूर बैठा हुआ है आपके चेहरे को याद है, मेरे को याद है, मैं हाँ बोले बोले उमा जी। मैंने कहा थिएटर में इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पिक्चर में या टीवी में तो मेरा चेहरा दिखाया जा सकता है, मेरे भाव दिख रहे हैं, लेकिन जो थिएटर में जो दूर बैठा है दर्शक वो मेरे चेहरे के भाव नहीं देख सकता, वो मेरे जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हाथ पैर है और मेरे जो आवाज के जो उतार चढ़ाव है उससे महसूस करेगा कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ। तो थिएटर में आवाज ज्यादा जरूरी होती है। मेरे को याद है मैं बेंगलोर में कैंप करना था, बेंगलोर के बाहर विद्यानगर एक जगह है, वहां पे हमारे पास करीब करीब 350-400 टीचर ऑल ओवर इंडिया से आए थे और जनता जनार्दन हो गई थी करीब 500, और हमने बुलाया था कर्नाटक के बहुत बड़ी हस्ती थिएटर की शिवराम कारंत जी को। शिवराम कारंत जी का नाम मतलब इतनी श्रद्धा से लिया जाना चाहिए जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, भीमसेन जोशी जी उस कैटेगरी के थे शिवराम कारंत जी। तो उनको जब स्टेज पे बुलाया हमने तो लाइट चली गई, माइक ऑफ हो गया और मैं बहुत घबराया, मैंने कहा अब क्या होगा। उन्होंने मेरे को बुलाया, कहा गिरीश, गिरीश करके बुलाते थे, गिरीश कम हियर, और उन्होंने सिर पे हाथ फेरा, डोंट वरी, और शिवराम कारंत जी ने बोलना शुरू किया। मैं कहता हूँ कि 5,000 लोग भी होते ना वहां पे, यक्षगान के आर्टिस्ट थे, यक्षगान जो है कर्नाटक का बहुत फेमस थिएटर फॉर्म है, और वो मतलब उन्होंने उस दिन दिखाया कि थिएटर वालों के अंदर क्या जज्बा होता है, गजब। तो मुझे आपकी आवाज सुन के बहुत याद आया, मुझे कई चीजें याद आ रही है। मुझे याद आ रहा है कि जब क्लिंटन यहाँ पर आए थे, बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति, और अमेरिका में वो जब उन्होंने इंडिया में ताजमहल देखा तो उन्होंने कहा कि यू कैन डिवाइड इंडिया और यू कैन डिवाइड द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू कैटेगरीज, दोज़ हू हैव सीन ताज, दोज़ हू हैव नॉट सीन ताज, राइट। और आज हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले फ्रेम में यू कैन सी द पीपल विद मुस्टैच एंड जो नीचे वाले फ्रेम है उसमें द पीपल विदाउट मुस्टैच। भर्जी शांत हो गए, ऊपर वाले फ्रेम में विद मुस्टैच, नीचे वाले फ्रेम में विदाउट मुस्टैच। मूंछों की कहानी बड़ी अजब है सर, मूंछों की कहानी मेरे को याद है कि मैं जैसलमेर गया था और जैसलमेर में मेरे साथ कुछ टीचर्स, कुछ स्टूडेंट्स थे ऑल ओवर इंडिया से, और सुबह सुबह जैसलमेर में आए करना भीम। करना भीम वॉज वर्ल्ड फेमस फॉर हिज मुस्टैच। तो हमारे साथ जो एक टीचर थे, मैं तो सोया हुआ था, मेरे को पता नहीं था, उन्होंने कहा जोशी जी कहाँ है, जोशी जी कहाँ, मैं उठा, मैंने कहा ये कौन, मैं डर गया उनको देख, क्योंकि मूछें ऐसी थी जैसे मतलब यदि आप सांची के स्तूप में देखें, सांची के स्तूप के बाहर तोरण द्वार में जो ऐसे 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 गोल गोल होता है वैसे उनकी मूछें गोल 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 गोल। तो टीचर ने पूछा नहीं इनको जरा करना जी एक अपनी मूछें खोल के दिखा सकते हो। उन्होंने कहा बाबू इस मूछ को खोलने की फीस 1,000 रुपया है। टीचर कहते तनख्वाही 800 है जी, आपको 1,000 कहाँ से दूंगा। और उन करना भीर को के नाम पे पूरे जैसलमेर में अब एक फेस्टिवल होता है, मूछों कंपटीशन होता है जब मरु मेला वहां पे लगता है जी। तो राजस्थान में तो मूछों का एक बहुत बड़ा, मैं बहुत पहले कल्चर है, बहुत साल पहले जैसलमेर गया था एक्साइज में, बहुत पुरानी बात है, ये है 87-88 की बात है, तब गए थे तो उस समय सेल्फी वेल्फी लेने का कोई था नहीं, तो आज वो फोटो मेरे पास में है नहीं। तो मैंने भी मूछे रखा था सर पहले सर, लेकिन जब मैं करना भील को देखा तो मैंने कहा मूछे रखनी तो वैसे रखनी, तो कोई फायदा नहीं पूछ रखते। अब ये भट्टी जैसी मूछे क्या है सर, हमारा समय जा है। दो सवाल भी है, सवाल आपके जी हिमांशु जी, हिमांशु जी से पूछते हैं, हिमांशु जी क्या कह रहे हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आवाज पर आ रहा था ना, मैं एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। हाँ भट जी, तो भट जी कुछ कह रहे हैं, आपको सुन रहे हो, आप बोलिए। ओके तो सर मैं एक इंडो कैनेडियन प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका नेशनल सोर्स पर्सन था, तो हम लोग हरियाणा गए थे। हरियाणा में जो वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं वो शायद IAS होते हैं, एजुकेशन डायरेक्टर एजुकेशन। तो हमारे साथ NCERT के जो रिटायर्ड एक डायरेक्टर थे प्रोफेसर सिंह,
वो हमारे टीम लीडर थे क्योंकि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। तो मेरे से बोले यार हिमांशु तुम अभी नए नए हो और तुमको ज्यादा वो नॉलेज नहीं है हाउ टू डील विद द टीचर्स। अब तुम एलिमेंट्री के टीचर थे, अब आवाज अब ठीक है प्रोफेसर सिंह भाई सीनियर एनसीईआरटी के, ठीक है नहीं, तो उन्होंने स्टार्ट किया तो समझ में आया कि कोई सुन ही नहीं रहा वहां पर, क्योंकि हॉल इतना बड़ा था, उस हॉल में सिर्फ 40 लोग, मतलब मेरी लाइफ का बहुत लर्निंग हुआ था। तो बोले 5 मिनट 10 मिनट कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई चुप होने को तैयार नहीं। फिर वो मेरे पास बोले बोला यार हिमांशु, हिमांशु कह के बोलते थे मेरे, बोले यार हिमांशु तुम कुछ कर सकते हो इनके साथ यहाँ पर बातचीत। मैं कहा सर बस 5 मिनट का मौका दीजिए, मैं पूरे फ्लोर को आपके हवाले कर दूंगा, कोई बोलेगा नहीं उसके बाद। उसके बाद मैं शुरू हुआ था बोलना और जो हॉल में ठीक है, मैंने भाई या तो आप ही बोल पाएंगे या मैं ही बोल पाऊंगा, आप सब भी बोल रहे हैं बोल लेंगे तो मेरी आवाज को पीछे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सब ऑटोमेटिकली वो हो गए और प्रोफेसर सिंह ने मुझे फिर सिर्फ आवाज के कारण नेशनल रिसोर्स पर्सन बना दिया, जो 7 लोग थे ऑल इंडिया में सिर्फ। राजनीति हिमांशु भाई आपको 2 मिनट के लिए ब्रेक देना चाहेंगे हम, क्योंकि हमारे हम दो सवाल थोड़ा सा विराम देते हैं, दो सवाल रोज पूछते हैं हम लोग और उनका जवाब दिया जाता है, दो नए सवाल पूछे जाते हैं, तो आप सर आप पढ़ सकते हैं सवाल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली इमारत की स्थापना पाषाण को किसने स्थापित किया, ये क्वेश्चन था। तो भगवान जी कोई आंसर आए, हू लेड द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कोई आंसर आए? नहीं मेरे पास में कोई जवाब नहीं आया। इसका नॉर्मली जो लोग जवाब देते हैं वो ये देते हैं कि वसंत पंचमी थी, वसंत पंचमी फरवरी 4, 1916 को लॉर्ड हार्डिंग्स ने बनारस के मेन कैंपस की आधारशिला रखी। लेकिन उत्तर इसका उत्तर ये नहीं है, बनारस के महाराज ने रखी थी शायद, जहां तक मेरी जानकारी है। नहीं नहीं नहीं, बनारस के महाराज ने नहीं रखी थी, लॉर्ड हार्डिंग्स को बुलाया गया था मेन कैंपस का वो करने के लिए। यदि हम थोड़ा सा इसका लंबा हो जाएगा लेकिन मैं बता दूं, बड़ा बड़ा बहुत इमोशनल इसका उत्तर है। 1904 में मदन मोहन मालवीय जी के मन में ख्याल आया कि हमको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए और उन्होंने अपनी वकालत छोड़ी। वकालत छोड़ने के बाद विचार करते रहे, पॉलिटिक्स में डिस्कस करते रहे। 1911 में एनी बेसेंट जी ने और लोगों के साथ मिलकर एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की वहां पे स्थापना की, और वो जब हुआ तो 1911 में भी ये हुआ कि दे ऑल जॉइंड हैंड्स कि हमें बनाएं, और उन्होंने एक सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई जिसका 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 हेडक्वार्टर रखा था इलाहाबाद में। लेकिन जब इसको काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी ने सुना कि कुछ ऐसा होने जा रहा है, तो उन्होंने 1300 एकड़ जमीन पंडित मदन मोहन मालवीय जी को दान में दी, और क्वेश्चन ये हुआ कि हम किसको किसको बुलाएं इसका आधारशिला का पत्थर रखने के लिए, तो कोई संत आना चाहिए, बहुत पायस होना चाहिए। तो मेंबर्स में से एक मेंबर ने सजेस्ट किया कि एक एक संत हैं और वो पंजाब में हैं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो कौन है, तो उन्होंने कहा वो एक सिख है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को एकदम से उन्होंने कहा तो क्या हुआ सिख है तो उनको बुलाना चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो वो नाभा और पटियाला के बॉर्डर में संत ततर सिंह जी का आश्रम था वहां पे जाने के लिए संगरूर रेलवे स्टेशन पे उतरे और वहां से पैदल पैदल गए जंगल, मतलब जंगल में आग फैलने की तरह खबर फैली कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी आ रहे हैं। गाड़ी भेजी गई, लोगों ने जूते चप्पल भेजे, उनका कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं एक संत से मिलने जा रहा हूं और मैं आई शुड बी वेरी हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल। और जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी वहां पहुंचे और तो उन्होंने उस वक्त सरदार अतर सिंह जी जो संत थे वो एक भजन गा रहे थे, अवर अल्लाह नूर उपजा कुदरत के सब रंग, एक नूर से सब जग उपजा कौन मंदे थे कौन बंदे, कुछ ऐसे करके था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी की आंखों में आंसू आ गए, उनको बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। ये बड़ी लंबी कहानी है। तो अतर सिंह जी जो थे वो कैसे आए, उनको पटियाला महाराजा ने अपनी ट्रेन दी, अपना स्पेशल ट्रेन दी और वो उससे 10 दिन पहले पहुंचे
अखंड पाठ हुआ बनारस में 10 दिन तक, जो गुरुद्वारे में होता अखंड पाठ 10 दिन तक हुआ। और उन्होंने कहा कि जब मैंने, उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को एक साइड में लेकर उन्होंने कहा, जब मैंने अपने आश्रम की कॉलेज की शुरुआत की थी पंजाब या अमृतसर का कॉलेज था, तो मैंने एक एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख लड़के को एडमिशन दिया था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी बोले बाय ऑल मीन्स हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। और एक स्टेटमेंट पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था, वो शायद वैसे तो एक्सक्राइब किया जाता है पहले का भी, उन्होंने कहा था हिंदू फैमिली का जो सबसे बड़ा लड़का होगा वो सिख बनेगा, सिख बनना चाहिए। इसीलिए सिखों को कभी कभी कहा जाता है कि वो हिंदू धर्म की फौज हैं। ये बड़ी मतलब ऐसी बातें हैं, बड़ी इमोशनल, भारत की संस्कृति, भारत की गंगा जमुनी तहजीब को दिखाता है। क्योंकि आप देखिए गोल्डन टेम्पल की जो फाउंडेशन थी वो मियां मीर जी ने रखी थी। सरदारों का सबसे बड़ा स्थान है सिखों का, उनकी आधारशिला रखी एक मुसलमान ने। तो यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो फाउंडेशन थी वो जो फाउंडेशन स्टोन था वो सरदार अटल सिंह जी ने रखा। मेरे पास इसकी बड़ी लंबी कहानी है, वो मैं, मेरे को लगता है टाइम हो जाएगा, मैं भट्टी के चेहरे पे चिंताएं देख रहा हूँ। इसलिए सरदार अटल सिंह जी जिन्होंने फाउंडेशन स्टोन और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रखा। आज के दिन, ये कल मैंने पूछा था कि आज के दिन कौन से विश्व यात्रा प्रारंभ हुई थी, तो वो 8 जुलाई था जिस दिन, आज तो 9 जुलाई है, कल पूछा गया था ये प्रश्न, 8 जुलाई के दिन 1497 में वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा लिस्बन से शुरू की थी और वो सी रूट खोजा था उन्होंने। उन्होंने 3 बार उन्होंने अपनी यात्रा की थी टू फाइंड इंडिया, सी रूट टू इंडिया। तो 8 जुलाई का दिन था 1497 में व्हेन वास्को डी गामा स्टार्टेड हिज वॉयज, हिज जर्नी फॉर इंडिया टू फाइंड द सी रूट ऑफ टू इंडिया। तो सवाल ही बता देंगे सर, मेरे पास वो सवाल नहीं है लेकिन भट्टी के पास है, मैं, मेरे पास भट्टी यदि कहे तो मैं ढूंढ सकता हूं उनको। भट्टी बुरे हो गए, अदृश्य हो गए हैं मेरे को, शायद 1 मिनट लगेगा सर। आप ढूंढ लीजिए तक। हाँ सर, सवाल आप ढूंढिए। हाँ भट्टी आ गए हैं जी। हाँ भट्टी, भरत वर्ष का वह प्रसिद्ध जमींदार शिकारी कौन था, एक संरक्षक था जिसने बैचलर का शिकार किया, बैचलर का नहीं, और 1947 में उन्होंने भारत छोड़ दिया था, केन्या चले गए थे। और एक पत्र में मृत्यु से पूर्व जब उन्होंने एक लेटर भेजा तो उसमें उन्होंने ये कहा था, डोंट बी टू क्रिटिकल, ज्यादा समीक्षात्मक मत बनो, जंगल अपनी कहानी जंगल भाषा में अपने आप कहता है। तो बड़ी फेमस लाइन थी कि जो कहते हैं हिस्ट्री के लिए, अंटिल द लायंस हैव देयर ओन हिस्टोरियंस द टेल्स ऑफ हंटिंग विल ऑलवेज ग्लोरीफाई द हंटर, जब तक शेरों के पास अपने इतिहासकार नहीं होंगे शिकार कथाएं हमेशा शिकारियों का गुणगान करेंगी। जिस दिन शेरों के पास अपने इतिहासकार होंगे तो वो बताएंगे कि वो क्या करते हैं और शिकारियों का कैसे दम निकलता है। ठीक है, वो प्रसिद्ध संरक्षक, संरक्षणवादी थे और शिकारी थे। और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न था कि एक हमारे फॉरेन के डेलीगेट आए, प्रेसिडेंट इंडिया आए और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ जा रहे थे और उन्होंने गाड़ी को रोका बीच में, जब उन्होंने देखा खेतों में लेडीज जो है वो धान की बुआई कर रही हैं, धान काट रही हैं, तो वो गाड़ी को रोक के उतरे गाड़ी से, खेत में जूते समेत अपने सूट के साथ घुस गए और घुस के उन्होंने एक औरत से हंसिया ली और वो गाना चल रहा था, साथी हाथ बढ़ाना रे, साथी हाथ बढ़ाना रे, राइट। और उन्होंने धान का एक पूरा गट्ठर बनाया और गट्ठर बना के वापिस गाड़ी में लौटे और उन्होंने प्रधानमंत्री से कुछ कहा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये इंसिडेंट कब हुआ, कौन थे और कौन प्राइम मिनिस्टर थे, ये मेरा प्रश्न था। चलिए आप हिमांशु जी अपनी कहानी आप बताइए, मेरी चलती रहेगी।
सर मुझे लग रहा है कि समय बढ़ रहा है तो मैं एक एक आध लाइन थोड़ा सा और जोड़ना चाह रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आप तो थिएटर वाले हैं, कुछ गाना सुनाइए, कुछ पपेट्री की बातें बताइए। आपने पपेट्री की भी ट्रेनिंग की, कुछ क्या उसका उपयोग रहा? क्योंकि हमने पूरा शो किया था ज्योति गांधी जी ने, इसमें पपेट्री का तो कैसे इंटरेस्टिंग होता है क्लासरूम में, हालांकि थिएटर वाले तो वैसे ही बना देते हैं, बट नथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर मुझे ऐसा ना कि चूंकि मेरा जो था जो ट्रेनिंग भट्टी ने कराई थी हम लोगों को, वो था रोल ऑफ पपेट्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और एलिमेंट्री एजुकेशन में वाकई पपेट्री का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चे करेक्टर को फील करते हैं, जब बच्चे फील करते हैं तो आप कुछ भी करा सकते हो। अगर आपने मान लीजिए फिंगर पपेट करना है तो आप फिंगर पपेट में कुछ भी बच्चों को नचा के। जी वो हमारा पूरा शो हुआ, हमने अब जाना कि पपेट्री किस तरह मदद करती है, लेकिन आपके कोई इंटरेस्टिंग ऐसे अनुभव हो रहे, क्योंकि आपने अपने आप को भी खोजा होगा पपेट्री करते हुए, वो पहले आपने नहीं किया होगा, क्योंकि बिल्कुल नया अनुभव होता है वो। जी मेरा तो सर एक्सपीरियंस ये था कि अब इस भी तो काफी टाइम था हमने करने, जब हम लोग पपेट्री का कर रहे थे तो सब्जेक्ट को उसमें कैसे, शुरू शुरू में तो बड़ी दिक्कत आती थी कि हमने कोई सब्जेक्ट करना है, तो मुझे ऐसा लगा कि हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए एज ए स्टार्टर उसका यूज कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, क्योंकि भाई कहीं से आपने शुरुआत करनी है, हेलो बच्चों बस इतने ही गाना, अगर बच्चे के तेरे पास स्माइल आ गई आपकी आधी मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गई, ठीक है? नहीं दैट वाज माय एक्सपीरियंस। अपना घर छोड़ के कहीं और न जाया जाए, घर की तमाम बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर से बहुत दूर है मस्जिद, चलो यूं कर ले कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अब भट जी हंस लीजिए थोड़ा सा, भट जी बहुत देरी से सीरियस करते हैं। हाँ भट जी स्क्रीन पर नजर रुकाए हैं। जी जी अच्छा एक मैसेज सर आप लोगों के माध्यम से मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। आजकल हम लोग एक नवोदय क्रांति परिवार के साथ मिलकर एक हरेला का कर रहे हैं, और खासतौर पर टीचर्स के लिए, तो ये है कि कोई टीचर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो तो अपने हरेला के पेड़ लगाने की सेल्फी हम लोगों को भेजें, हम उनको भी रिकॉग्नाइज करेंगे, एक सर्टिफिकेट देके एक नेशनल लेवल पर कि ये लोग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में लगे हुए, एक छोटा सा इनोवेशन है ये भी। बिल्कुल भेज देंगे साहब, जरूर भेजेंगे। जी 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 रावत जी आए थे, रावत जी ने बहुत अच्छी बातें बताई एनवायरमेंट कंजर्वेशन की। जी 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 बिल्कुल, मतलब आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैती जिन्होंने शुरू किया कि आंखें नम हो गई थोड़ा उनका उनका समर्पण भाव देख के। जी 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 क्योंकि जोशी सर ने ये कहा है कि नाटक की कोई दो एक लाइन गाने का, अब क्योंकि मैं वैसे गाने का तो उतना नहीं सर, मुझे ध्यान आ रहा है कि 95 में जब मैं बीएड कर रहा था तो कैलाश डोलिया जी, मैंने बताया ना मुझे बनाने में दोस्तों का बड़ा योगदान है सर, अभी भी मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ भट्ट जी हैं जो कि हमारे ये वीडियो की सारी मिक्सिंग वगैरह सब करते हैं, भुवन भट्ट जी, अभी मैं उन्हीं के घर से बात भी कर रहा हूँ, तो मतलब सब लोगों का कंट्रीब्यूशन, तो मुझे न्योला अभी वो डोलिया जी की याद आ रही है, अब सुनाने की बात अगर आप कहें तो गुस्ताखी करूँ थोड़ा न्योली सुनाने की। बहुत बढ़िया, मैं गायक नहीं हूँ फिर भी। ओ काटन्या पहली ओनी हो चौमा सीको हो भगना पानी थामी जा छो होने था मीनो मना एक न्योली का एक मुखड़ा, और क्योंकि
कैलाश डोलिया जी ने मुझे सिखाया, इसको बांसुरी पर भी सिखाया सर, मैं इसको बांसुरी पर भी बजा लेता हूँ। और वो मेरे बीएड फेलो थे, तो हमने कहा बीएड का मतलब जहां जहां लोग मिलते गए उनसे कुछ ना कुछ सीखते गए, तो जिंदगी में कहीं काम ही आ रहा है, ये है बात। अकेला चला था जाने में मंजिल मगर बांसुरी है आपके, अभी लोग मिल गए बांसुरी साथ में तो सुना दीजिए। अंजू भाई, अंजू भाई इससे पहले क्या बांसुरी में सुना है? बांसुरी है अभी सर, बांसुरी नहीं आया, वो तो अभी आ गई चर्चा है, तो अभी है नहीं सर। मैं अभी ये भट्ट जी के घर से बोल रहा हूँ सर, अपने घर में नहीं हूँ, फिर कभी पिछले एक घंटे की बातचीत के दौरान आपको बहुत नजदीक से जाने जी कोशिश की, लेकिन एक बार भी नहीं जान पाए हैं। क्या सर, मेरा सवाल ये था हिमांशु भाई कि पिछले एक घंटे में हमने आपको जानने की कोशिश की, हमने काफी जाना भी जी, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो आपको अभी भी नहीं आता आप करना चाहते हैं? मुश्किल सवाल है सर। अब सर मैं चूंकि ये आ गया है और ये चूंकि भट्ट जी ने क्वेश्चन दिया है, भट्ट जी की तरफ भी लगा रहा हूँ। मैं वैसे कल्चरल से जुड़ा तो रहा, लेकिन मेरी एक बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि मैं CCRT का ओरिएंटेशन कोर्स करके एज ए DRP भाई साहब के साथ जुड़ू, वो मैं नहीं कर पाया भाई साहब, वो है वो आपने जोड़ना है। ये तो बहुत छोटी सी वो है आपकी, वो सब बहुत बड़ा काम है, हमको लगता है इतना आसान काम नहीं है, भट्टी बस भट्टी जैसे लोग कर ले रहे हैं, अदरवाइज इट्स नॉट सो इजी टास्क। आजकल आजकल मैं बता रहा हूँ, मैं डेली एक मैथमेटिक्स से एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उस एक वीडियो को बनाने में लगभग 4 घंटे लग जा रहे हैं। पहले तो उसको उसमें व्हाइट बोर्ड में बनाओ, फिर उसको कॉन्सेप्ट वाइज उसको शूट करो, फिर उसको एडिटिंग मिक्सिंग करके बच्चों तक पहुंचाओ, उसको कंप्रेस भी करना होगा, तो मतलब छोटा लगता है छोटा काम, बट इट्स अ बिग टास्क मतलब फॉर मी। मेरे को 2 क्वेश्चन बनाने में 8 घंटे लगते हैं, आपको एक क्वेश्चन करने में 4 घंटे लगते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको गूगल में ना मिले, क्योंकि भट्टी का चैलेंज था कि गूगल सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो यू ढूंढ लेंगे। मैंने कहा चलिए भट्ट जी हो जाए आपकी मेरी भी शर्त, गूगल में ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते, तो गूगल में अभी तक तो नहीं मिले। वैसे राजेंद्र उपाध्याय जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, जिम कॉर्बेट बिल्कुल ठीक उत्तर है, वो संरक्षक वो शिकारी जो बस्ती भी बनाई उन्होंने छोटी हल्द्वानी जिसको आप कहते हैं, और जिम कॉर्बेट ने वो लेके आए और उन्होंने लिखा 1947 में चले गए थे, अपनी सिस्टर के साथ रहते थे मिसी मैम के साथ, और फिर उन्होंने वो पत्र लिखा शिकारी को, वो पत्र उनकी कोठी में शायद आज भी लगा हुआ है छोटी हल्द्वानी में, खटीमा के छोटी हल्द्वानी खटीमा के रास्ते में, जिम कॉर्बेट उपाध्याय जी बहुत बहुत बधाई आपको। छोटी हल्द्वानी कालाडूंगी के पास है सर। हाँ कालाडूंगी हल्द्वानी हमारे तो दिल्ली वाले हैं, हमारे तो यहाँ हल्द्वानी वहाँ हल्द्वानी छोटी हल्द्वानी बड़ी हल्द्वानी एक ही है। अच्छा वो आपने बता दिया, मैं आज तक कालाडूंगी को छोटा हल्द्वानी के पास पांडे जी है सर, इन्होंने बता दिया। अच्छा इन्होंने बता दिया कि छोटा हल्द्वानी कालाडूंगी के पास है, मैं आज तक कालाडूंगी को छोटा हल्द्वानी के पास समझता था। गुड योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज ग्रेट। सर कुछ कह रहे हैं, थोड़ी रूपा जी को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, उनका उत्तर अभी उतना ठीक नहीं है। जी जी क्या हुआ भट्टी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ थोड़ा कट रही है। नेटवर्क जी जी भट्टी जी आपकी साइड में नेटवर्क की प्रॉब्लम ज्यादा रहने लग गई है, तो अगर आप याद दे तो मैं नेटवर्क की प्रॉब्लम अगर कल के 2 प्रश्न डाल दीजिएगा पांडे जी, कल के 2 प्रश्न जो है वो डाल दीजिएगा जिसको। जी सर कुछ कह रहे हैं सर। जी 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 पांडे जी, मैं कार्यक्रम के अंत में आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि समय काफी हो गया आपके लिए भी और हम सब के लिए, दर्शकों के लिए भी, हम दो
अगली बार बांसुरी लेकर आइएगा जी जी जरूर सर जरूर। और हारमोनियम तबला जो आप इसी रहे, आपने बहुत से जानवर दाते हैं बताइए और कैसे बन सकता है इसका जीता जागता उदाहरण आपने स्वयं जीवित होकर के अपने हमारे सामने आकर प्रस्तुत किया, आपको धन्यवाद बहुत बहुत। और साथ में श्री कृष्ण जोशी जी रोज की तरह दिल्ली से हमारे साथ रहे, उन्होंने अपने ज्ञान की कुछ बूंदे कुछ छींटे हमारे ऊपर डाले, आपका भी आभार सर। और बहुत एवरग्रीन भगवान जी नमस्कार जी अपनी तैयार। तो इन शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम से आप सबसे विदा लेता हूँ, कल शाम को ठीक 7 बजे हमारे साथ होंगी हेमा अरबोला जी संगीत के आचार्य हैं जो हमारे कल के मेहमान थे उनकी गुरु। ठीक है, थैंक यू सर। हेमा धन्यवाद, हम बहुत सारे उनसे लोकगीत की विधाओं समझेंगे। तो कल शाम 7 बजे आप कहीं मिल जाइएगा, शाम को 7 बजे हम हेमा अरबोला जी जो संगीत शिक्षिका उनके साथ लाइव होंगे। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभरात्रि। नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।